यस सर। तो सर जी है तू वहां पढ़ाना चाहे तो पढ़ना हां नौ नौ किसी तरह पढ़नी नहीं 10 दिन ना हो जो क्या पढ़ाना ला रहे। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू पहाड़ी इलेक्ट्रिशियन, दिस इज जय रजत चौहान। दोस्तों आज का टॉपिक है हमारा कंप्यूटर। आज हम कंप्यूटर के बारे में डिस्कस करेंगे, कंप्यूटर और एक और टॉपिक है और स्लिपिंग, स्लिपिंग के बारे में पढ़ेंगे आज। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके बारे में डिस्कस करने से पहले हम अटेंडेंस ले लेते हैं। आप सोच रहे होंगे अटेंडेंस, अटेंडेंस है दोस्तों, मेरे स्टूडेंट है कुछ, तो मैं उनकी अटेंडेंस ले लेता हूँ, आपको भी दिखाता हूँ। तो चलिए, रोल नंबर वन यस सर। आयो सूत्र उठ रहा आई रहा तू स्कूल हमो को ए बंगड़ खाना नहीं है, है मुंह दिखा अपने फिर माफ की फिदा बच्चा, फिर आगे से दांत निकाल रहा है, बैठ जा। ये मैडम सर। तुम्हें भी भैया आता, और रोल नंबर क्या तुम सर माय रोल नंबर इज सिक्स। गीत गाने ने बोले मैं तुझो, और रोल नंबर पूछे मैं तुझे, रोल नंबर क्या तेरा, सॉरी सर सर प्लीज एक्सेप्ट माय अपोलॉजी। अंग्रेज बनी गया तू। अच्छा तब मैं कल तू पढ़ने देते है ना तू, हाँ सारे जो सर पूछना में आ जला ना, सारे पर नंबर तेरा ही आ। देवगा भी है अमेरिका भी तेरी है। लड़ाई मत करो, पढ़ाई की तरफ दो ध्यान। बहुत ठंड है तेरे को, बड़ी साल सूल ओढ़ के आया है तू, है पढ़ने आया यहाँ पे कि सोने आया है, पीछे रजाई रखी इसको भी ओढ़ ले। सर रजाई उड ले ता फिर तो सोना ही पाऊंगा, मैं सोना नहीं आ, मैं पढ़ना ही थी। चलो देखते हैं तू क्या पढ़ता है यहाँ पे। सर जी है तू वहां पढ़ाना चाहे तो पढ़ना, नौ नौ किसी कहाँ पढ़नी नहीं 10 दिन ना हो जो क्या पढ़ाना ला रहे। आगे से जवान लड़ा रहा है, पढ़ाई की तरफ ध्यान दे। आज हम कंप्यूटर और स्लिपिंग के बारे में पढ़ेंगे, सुन लिया ना। आओ इस रात बीबी आई होगी काफी है रे काफी। मैं करांदा तेरा बीपीआई, ठंड रख, पढ़ाऊंगा मैं अभी स्लिपिंग और कंप्यूटर के बारे में। और कुछ भी नहीं बताया ना तूने, तो देखना सबसे पहले तेरा नंबर लगेगा। मैं निकालता हूँ दांत, कैसे निकाले जाते हैं दांत, दिखाऊंगा मैं भी दांत निकाल के भी तेरे को। अच्छा रोल नंबर 6 भी हो गया, 5 रोल नंबर। हाँ जी आ गए आप भी, ओहो आप तो मास्क लगा के आए हैं, बहुत अच्छा काम किया यार आपने तो। सर मास्क लगाना तो बड़ा जरूरी है सर, तुम्हें पता था कितनी गंदी बीमारी फैल रही कोरोना, ये तो पढ़ाई से ज्यादा जरूरी है मास्क लगाना। हम तो खुद देखा तू ऐप भी दौड़ मास्क आई गए, तो ये सारे पहले स्टूडेंट यही तो चेक करना कि तू ना मास्क कुछ है सैनिटाइजर कुछ है, तू तो आने गला ना एक करना कि कॉम्पिटेटर एड़ा स्लीपिंग एड़ा, ये तो चीजें बाद काम माणी अगर पहले शरीर ही ठीक नहीं होगा तो ये चीजें घट माणी सर। मास्क लगाना तो सर बड़ा जरूरी है, तू टीवी च भी देखा होगा सर कि दसें टाए डॉक्टर दसें कि कुछ जो भी जाना बस जाना या घूमना जाना तक कन्ने मुंह ने मास्क लगाए ने जाना ने जेब से सैनिटाइजर पाए जाना ने रहे तो कन्ने संगे साथी होने दिन जो तो होने होना कोरोना ने तू ने फैमिली जो भी होना कोरोना आपको तो मरना मरना ना बाकी बीमार ने मारने यार कोरोना पता चाह तू कि गंदी बीमारी है। एक बड़ी होगी उस वीडियो नहीं होंगी वायरल इन हुई वायरल ना ही वायरस खरा एकदम फैला है समझे, इन्हें मैं वीडियो बना रहा नहीं लिखा है अगर मैं यूट्यूब पर पाई थी वीडियो ठीक अच्छा वायरस आ इसकी मतलब एकदम वायरल होना यार। सर मास्क लगाना बड़ा जरूरी है, स्टूडेंट का पहले मास्क ने सैनिटाइजर के बारे में दसना हाँ कि तू मेरा सैनिटाइजर ने मास्क को दिया तू ये तो आने से दिले पे इंट्रोडक्शन देना थी, फलाना राम खड़ा हो जाए फलाना राम खड़ा हो जाए रोल नंबर बोलना कॉम्पिटिटर बाहर चले तो कॉम्पिटिटर की चीजें बात से काम मानी पहले तुम अगर इन अगर मास्क पूछ रहे हो मास्क को दिया सैनिटाइजर को दिया मेरी गल पूरा नहीं मानते सर, ये चीज लाना बड़ा जरूर बहुत जरूरी है सर, ये पढ़ाई के लिए ज्यादा जरूरी। अगर ये नहीं होगी तो तुम्हें पता था कितनी गंदी हेल्थ की बीमारी कोरोना है, जरा कोई इलाज भी नहीं है एड्स से बुरी बीमारी, एक भी होगी तो बंदे की सीधी हो गई ना सर, तुम्हें पता फिर बंदे की सीधी मौत ही आई, तो बुरा नहीं मानते सर मेरी गल कुछ ज्यादा बोलते हो पता सॉरी सर दिया। सॉरी किस बात की दोस्त, अच्छी बात बोली तूने यार, सभी भी दौड़ मास्क आ गए और मैंने पूछा भी नहीं, मैं पूछ लेता आपसे कि आपका मास्क और सैनिटाइजर कहाँ पे है। सॉरी तो मैं बोलूँगा आपको सॉरी कि मैंने आपसे नहीं पूछा कि आपका सैनिटाइजर और मास्क कहाँ पे है।
बड़ी अच्छी बात बोली तूने यार, इतनी गंदी बीमारी फैली है कोरोना, और उसका इलाज भी कोई नहीं है। दोस्तों आपको भी मैं हिदायत देता हूँ कि विदाउट मास्क और सैनिटाइजर बाहर नहीं जाना घूमने। ये मैं सैनिटाइजर और मुंह पे मास्क लगा के जाना, कहीं भी जाना घूमने। तो दोस्तों ये थे मेरे 4-5 स्टूडेंट, इनकी अटेंडेंस हो गई, और कैसे लगे आपको तो बता देना आप मेरे को कमेंट करके, और मेरी वीडियो को शेयर लाइक सब्सक्राइब पक्का कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम स्लिपिंग के बारे में पढ़ते हैं कि स्लिपिंग क्या चीज है और कॉम्यूटेटर। तो सबसे पहले हम स्लिपिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये है आपका स्लिपिंग, इसकी डायग्राम है, ऐसा होता है स्लिपिंग होलो टाइप, रिंग ही मान लो, गोल रिंग जैसा होता है, लिख लो कॉपी पे, डायग्राम भी बना लो इसकी कॉपी के ऊपर। तो इसके ऊपर कार्बन ब्रश फिट किए जाते हैं, ए तो इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट पैदा करते हैं, और स्लिपिंग डीसी जनरेटरों में कंडक्टर में उत्पन्न एसी को एकत्रित करने का काम होता है, और ये शाफ्ट पर माउंटेड होते हैं, ये काम होता है इनका। सर एक क्वेश्चन पूछना है मैंने आपसे सर, थोड़ा कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन है सर, ये सर ब्रूस के साथ स्लिपरी क्यों मंडर किए जाते हैं, पूरी तरह से कांटेक्ट क्यों किए जाते हैं, क्या रीति है सर इसके पीछे सर, प्लीज बता देना सर। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है तूने यार, मैं बताता हूँ तेरे को इसका क्या रीजन है। इसका रीजन ये है दोस्तों, मान ले ये तेरी स्लिपरिंग है और ये ब्रश, अगर इन दोनों को आपस में ऐसे ही चिपका दिया जाए, चिपका दिया, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, करंट तो आ रहा है इसके जरिए, कंडक्टरों के जरिए मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, रोटेशन, रोटर रोटेशन पैदा करने की कोशिश करेगा, तो आपका रोटर घूमेगा नहीं, जिसके कारण आपका रोटर के जलने का खतरा बना रहेगा। माउंटेड का मतलब क्या होता है, माउंटेड ऐसे होता है ऐसे, मैं स्लाइडिंग, मैं करंट भी आ रहा है, स्लिपिंग ए रिंग, इस रिंग को मान लो स्लिपिंग, और इसके ऊपर जो ब्रश लगे हैं ना ऐसे ऐसे, ये ब्रश इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, इससे आपका रोटर घूम रहा है, और इसको पूरी तरह से चिपका दिया जाए ऐसे ऐसे, तो कहाँ से घूमेगा यार, एनर्जी तो बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगी, पर वो घूमेगी नहीं, तो इसलिए इसको माउंटेड ही रखना पड़ता है। एक कारण होता है दोस्तों माउंटेड, माउंटेड मतलब चिप, स्लाइडिंग, स्लाइडिंग मान लो, स्लाइडिंग ऐसे, पूरी तरह नहीं, पूरी तरह कांटेक्ट नहीं इसका, जिस स्लाइडिंग है एक काम होता है इसका। तो दोस्तों ये है स्लिपरिंग की मतलब छोटी सी डेफिनेशन है, ऐसे ज़्यादा बड़ी डेफिनेशन नहीं है, लिख लो आप, मतलब स्लिपरिंग का यूज़ डीसी जनरेटर में कनेक्टर में उत्पन्न एसी, इसको ज़्यादा याद रख लेना, एसी अल्टरनेटिंग करंट को ही एकत्रित करते हैं ये भाई, आगे सिद्धांत मत निकाल, इसको कॉपी पे लिख ले, पूछूंगा मैं तेरे से पूछूंगा, और आप ये पूछूंगा मैं तेरे से कि स्लिपरिंग किस चीज के बने होते हैं, कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है स्लिपरिंग में, चल बता मेरे। सर स्लिपरिंग लोहे रे बने रे हमें, मैं बनवाता तेरे लोहे रे, ताकना पढ़ाना लगी था उन्हें, मिस्ते पूछा कि स्लिपरिंग किस चीज के बने होते हैं, तो बोल रहे लोहे के बने होते हैं, बताता हूँ तेरे को लोहे के बने होते हैं कि किस चीज के बने होते हैं, दिख ये भी आगे से दांत निकाल रहे, चल तू ही बता दे किस चीज के बने होते हैं स्लिपरिंग। सर स्लीपिंग चांदी के बने रहे हमें, सवाज हुए तू, तो इससे बड़ा लायक निकलिया, तेने लोहे तो लेने सीधा चांदी तक मारी डोरी, ये तेरा लोहे तक किसी में था, तू तो चांदी ले पूजी गया, चांदी करना ये थी यूज, चांदी की तेरी यूज, तू जो है चोर हो तो इससे मोटे चोर ले जानी है, चांदी कर रहे थी यूज। तो दोस्तों स्लिपिंग में मैं बताता हूँ आपको क्या यूज किया जाता है स्लिपिंग में, दोस्तों मटेरियल स्लिपिंग मटेरियल किया जाता है यूज कॉपर, और आमतौर पर ऐसे तो फॉस्फोर ब्रॉन्ज ही यूज किया जाता है, सबसे ज्यादा फॉस्फोर ब्रॉन्ज यूज किया जाता है, और कॉपर भी ऑप्शन में होगा, फॉस्फोर ब्रॉन्ज भी ऑप्शन में होगा, तो आपका राइट आंसर होगा फॉस्फोर ब्रॉन्ज ए, मैक्सिमम ऑप्शन में आपको फॉस्फर ब्रॉन्ज ही मिलेगा, लाइक को तो लिख लिया कापिया पर, तो फॉस्फर ब्रॉन्ज यूज किया जाता है स्लिपरिंग में। तो दोस्तों ये थे डेफिनेशन स्लिपरिंग की, और इसकी डायग्राम ज्यादा बड़ी डायग्राम नहीं है, स्लिपरिंग का पता है आपको किस टाइप के होते हैं, होलो रिंग टाइप होते हैं, और आर्मेचर कॉइल के साथ कॉन्टेक्ट होता है इनका, और इनका काम मेन काम होता है इलेक्ट्रिक कॉन्टेक्ट प्रोवाइड करना, एक काम होता है इनका, बस याद रखना। ऑप्शन में होगा कि स्लिपरिंग किस चीज के लिए यूज किए जाते हैं, तो इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट उसमें एक ऑप्शन होगी, तो वो उसका राइट आंसर होगा, मेन आंसर इसका इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट, इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट प्रोवाइड करते हैं ये, इलेक्ट्रिक
कॉन्टैक्ट प्रोवाइड करते हैं ये, और ये बने होते हैं कॉपर और फॉस्फोर ब्रॉन्ज के। तो दोस्तों ये थी स्लिपिंग की डेफिनेशन और डायग्राम। इसी वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम कॉम्पोजिट के बारे में। तो दोस्तों बता देना मेरे को आपकी, आपको वीडियो कैसी लगी, कमेंट कर देना, और मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब लाइक पक्का कर देना। थैंक यू एंड हैव